हेलो एवरीवन, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ओके, न्यू टॉपिक बोल सकते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी डिफरेंट चीज़ें होने वाली है, वो इन्वेंट कब हुआ है, उसके नंबर्स ऑफ एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन के, ये सारी चीज़ें हम हमारे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंट्रोडक्शनरी पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं आर प्रोग्रामिंग। फर्स्ट इन द इंट्रोडक्शनरी पार्ट, आर इज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। के वाई वी कॉल्ड एज आर इज ओपन सोर्स। के ओपन सोर्स मीन्स वॉट? ओपन सोर्स मीन्स इजिली फ्रीली अवेलेबल। ओके, फ्रीली वर्ल्ड वाइड इंटरनेट, ये हमें क्या है, फ्रीली अवेलेबल है। इस कोई भी पर्सन है, कोई भी यूजर्स इसको डाउनलोड कर सकता है एंड यूज कर सकते हैं। दैट इज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकते हैं, इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके अंदर नंबर्स ऑफ चेंजेस कर सकता है। देन इट इज एन वाइडली यूज फॉर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। तो स्टैटिस्टिकल जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना होगा उस पर्पज के लिए, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन पर्पज के लिए हम आर प्रोग्रामिंग यूज करने वाले। देन यूज फॉर एंड डेटा एनालिसिस टूल, कि नंबर्स ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, उसको एनालिसिस करने के पर्पस से भी हम आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने वाले हैं। ओके, देन नेक्स्ट, द आर इज जनरली कम्स विद एन कमांड लाइन इंटरफेस। कि दो टाइप्स के इंटरफेस हमें देखने को मिलते हैं, फर्स्ट जीयूआई बेस्ड इंटरफेस एंड सेकंड इज कमांड लाइन। आप नॉर्मली पीसी का एग्जांपल लिखेंगे तो पीसी के ऊपर इफ आपको कोई एक टास्क परफॉर्म करना होगा, सो वाई यूजिंग एन जी यू आई, वाई यूजिंग एन कीबोर्ड माउस। जी यू आई बेस आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर सकते हो, या सेकेंडरी कि वाई यूजिंग एन कमांड लाइन, कि जो सी एम डी आपको पता होगा कमांड लाइन, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हो। सो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कम्प्लीटली, या जनरली हम बोल सकते हैं, तो कमांड लाइन बेस के ऊपर वर्क होने वाली। देन नेक्स्ट, द आर इज अवेलेबल अक्रॉस अ वाइड प्लेटफॉर्म। कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म इसके अंदर यूज कर सकते हो, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस या एंड्रॉयड, की जो भी नंबर्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स आपको पता होंगे, सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज लेटेस्ट कटिंग एज टूल। के इज अ हाईली यूज होने वाले टूल से, कि कटिंग टूल्स इन द सेंस कि मार्केट में मोस्ट ऑफ दी पीपल्स या डेवलपर्स इस टूल का यूज करते हैं फॉर एंड डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस। ओके, तो इस पर्पज के लिए इसका यूज होता है। देन नेक्स्ट, इट वॉज डिजाइन बाय रॉस इनहाका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन। तो इनिशियल दोनों का नेम है आर, तो इसकी वजह से इस लैंग्वेज को हमने नेम दिया, दैट इज आर टूल। ओके, इट at the University Auckland, New Zealand. So it is currently developed by the R development core team. कि currently इसको कौन develop कर रहा है, कौन handle कर रहा है, that is an R core team इसको develop कर रही है। Then next, the R programming language is implement of the S programming language. कि R को हम क्या करेंगे, और अच्छे से modify करके S programming के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, बट वो फ्यूचर सिनारियो है, फ्यूचर स्कीमा है। सो ये कौन करने वाला है, लेक्सिकल स्कोपिंग सिमेंटिक। ओके, उसने क्या किया, ये जो एक्स प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, एक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट उन्होंने इन्वेंट किया है, अभी तक वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट इन अ प्रोसेस बोल सकते हो जस्ट लाइक। ओके, सो ये हो गया हमारा आर प्रोग्रामिंग। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ व्हाई आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज। कि उसको हम क्यों यूज करेंगे, वाई आर। ये आर के अलावा भी बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम देख सकते हैं, जैसे लाइक पाइथन है, मैटलैब से, ऐसे नंबर्स ऑफ लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल से। सो हम आर लैंग्वेज यूज क्यों करेंगे, तो फर्स्ट, ये आर इज अ लीडिंग टूल्स फॉर एन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। ओके, लीडिंग टूल्स किस तरह से, वाई यूजिंग एन ऑब्जेक्ट्स, फंक्शन, पैकेजेस, के कैन इजीली कैन बी क्रिएटेड बाय आर। के सो ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है, फंक्शन किस तरह से क्रिएट करना है, एंड पैकेजेस किस तरह से क्रिएट करना है, हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए याद रखो कि ये नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फंक्शन एंड पैकेजेस इजीली हम आर टूल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं।
Then next, the it is an platform independent. Okay, this mean that it can be applied to all operating system. कि numbers of operating system जो आपको पता होंगे, सभी operating system के ऊपर आप ए platform independent, in the sense कोई भी platform के ऊपर R programming use कर सकते हो. Then next, it is an open source free language. That means anyone can install in any organization without a purchasing a license. Without any license, हम क्या कर सकते हैं? Freely उसको use कर सकते हैं. That is an open source free language हमारे पास available है. Okay, then the R programming language is not only a statistical package, but also used as integrated with the other language. एक सिंपल स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज की तरह हम इसको नहीं यूज करते. इफ हमें रिक्वायर्ड होगा सो हम सी सी प्लस प्लस के मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ, मल्टीपल डेटा सोर्स के साथ, मल्टीपल पैकेजेस के साथ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट, द आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वास्ट कम्युनिटी ऑफ यूजर्स एंड इज ग्रोविंग अ डे बाय डे. इसकी जो कम्युनिटी है यूजर्स की वो इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे न्यू डेवलपर्स इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, न्यू यूजर्स इसके अंदर एड ऑन हो रहे हैं एंड इसको अकॉर्डिंगली इसकी जो यूज है वो इंक्रीज हो रहा है. देन नेक्स्ट, द आर इज करंटली वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द डेटा साइंस जॉब मार्केट. दैट्स मेक इट्स होस्टेड ट्रेंड्स नाउ डे. ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं जो ट्रेंडिंग फीचर्स होगा कि ट्रेंडिंग में है, इसके अकॉर्डिंगली जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना प्रेफर करते हैं. देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, दैट इज एन फीचर्स ऑफ एन आर प्रोग्रामिंग. कि देर आर टू टाइप्स ऑफ फीचर्स, फर्स्ट दैट इज अ प्रोग्रामिंग फीचर एंड सेकेंड दैट इज स्टैटिस्टिकल फीचर. तो फर्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर जो स्टैटिस्टिकल फीचर्स क्या दिए गए, देन हम देखेंगे प्रोग्रामिंग फीचर्स क्या इसके अंदर दिए गए हैं. तो फर्स्ट प्रोग्राम स्टैटिस्टिक फीचर्स, इन अ स्टैटिस्टिक फर्स्ट उन्होंने दिया जैसे बेसिक स्टैटिस्टिक. ओके, इन अ स्टैटिस्टिक हम देख सकते हैं बेसिकली इसके अंदर कौन सी चीज़ें कवर की जाएंगी. द मोस्ट कॉमन बेसिक स्टैटिस्टिक टर्म आर द मीन, मोड, मीडियन. ओके, ये तीन स्टैटिस्टिक के अंदर बेसिक है. सो ए हम वाई यूजिंग एंड फॉर्मूला, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. देर आर नोन एज द मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी. ओके, तो सेंटर टेंडेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम ये तीन चीज़ें यूज करते हैं, मीन, मोड एंड मीडियन. तो वाई यूजिंग एन आर लैंग्वेज वी कैन मेजर अ सेंटर टेंडेंसी वेरी इजीली. सिंपल हमें क्या करना है, जितने भी नंबर्स ऑफ वैल्यू है एक फंक्शन के अंदर इनपुट करना है, या इफ कोई फाइल के अंदर हमें वैल्यूज होंगे तो फाइल का नेम मेंशन करना है. तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, जो आउटपुट होगा वो आउटपुट यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके देगा. दैट इज अ बेसिक स्टैटिस्टिक के अंदर. ओके, देन सेकेंड दैट इज अ स्टैटिक ग्राफिक्स. ओके, ग्राफिक्स इन द सेंस ग्राफ. ओके, आर इज अ रीच विद एन फैसिलिटी फॉर क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग इंटरेस्टेड स्टैटिक ग्राफिक्स. आर कंटेन अ फंक्शनलिटी फॉर मेनी प्लॉट्स टाइप including graphics maps, plots, by plots, list, by charts. ओके, ये सारी चीज़ें वाई यूजिंग स्टैटिक ग्राफ्स हम ड्रॉ कर सकते हैं इन आर प्रोग्रामिंग. देन नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्ले अ वाइटल रोल इन स्टैटिक्स एंड बाई यूजिंग एन आर वी कैन इजिली हैंडल द वराइज टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सच एज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ची स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेनी मोर. कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हमें पता है सभी हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं. देन लास्ट इसके अंदर दैट इज डेटा एनालिसिस. ओके, इट इज प्रोवाइड अ लार्ज कोहेरेंट एंड इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ टूल्स फॉर अ डेटा एनालिसिस. डेटा एनालिसिस के लिए जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, या डेटा को इंटीग्रेटेड करना होगा, कोहरेट करना होगा, रिलेशन दिखाना होगा, तो ये सभी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं इन आर प्रोग्रामिंग इजीली कर सकते हैं. देन सेकेंड सिनारियो या सेकेंड फीचर्स इसके अंदर देखते जाते हैं, प्रोग्रामिंग फीचर. ओके, इन अ प्रोग्रामिंग फीचर देर आर टू फीचर्स, आर पैकेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. इन आर
package, one of the major feature that is R, it has a wide availability of a library. कि R के पास क्या है कि numbers of library available है, जैसे कि R has a CRAN, okay, comprehensive R archive network, which is a repository holding a more than 10 lakh packages queue. जैसे लाइक लार्ज नंबर्स ऑफ पैकेजेस इसके अंदर स्टोर है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम आर पैकेजेस यूज कर सकते हैं. देन सेकेंड दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज एन मॉडल इन विच अ कंपोनेंट ऑफ सिस्टम आर शेयर अमंग द मल्टीपल कंप्यूटर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस. ओके, एक स्पेसिफिक जो हमारे सिस्टम होगी उस सिस्टम की जो भी इफिशेंसी एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज करने की पर्पज से हम क्या करेंगे, उसके जो कंपोनेंट होंगे अमंग एंड मल्टीपल कंप्यूटर डिवाइड करेंगे एंड उसको यूज करेंगे. ये भी फीचर्स हमें आर प्रोग्रामिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है. ओके, दैट इज एन नंबर्स ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ एन आर प्रोग्रामिंग. देन इसके अंदर देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेज ऑफ एन आर प्रोग्रामिंग. The R programming is the most comprehensive static analysis package as a new technology and concept often in appear in R. The numbers of different technology increase ho rahi hai, uske accordingly jo R technology wo bhi develop ho rahi hai. Then second, the R is an open source, thus the you can run anywhere and any times of R programming. ओपन सोर्स है, इजीली कहाँ पे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं एनीवेयर एंड एनी टाइम. कि इसके लिए कोई भी लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है. ओके, देन नेक्स्ट, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सूटेबल फॉर जीएनयू लिनक्स विंडोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. कि जैसे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो फीचर्स देखा था हमने, कि उसके अकॉर्डिंगली कहाँ पे भी हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसको इजीली सूटेबल रन कर सकते हैं. Then R programming is a cross platform which runs on any operating system. Okay, एक cross platform क्या features उन्होंने provide किया है, कि जैसे कि हमारे पास कोई programming language, okay, R programming का कोई softwares होगा, objects होंगे, functions होंगे, तो first of all हमें एक system के ऊपर perform किए, जैसे like Windows के ऊपर किए, then next Linux के ऊपर perform किए आधा काम है, तो दोनों को हम एक साथ एक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं. दैट इज एन क्लॉस प्लेटफॉर्म फीचर्स हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं. देन नेक्स्ट, द इन आर एवरीवन इज वेलकम टू प्रोवाइड अ न्यू पैकेज बग फिक्सेस एंड कोड एनहांसमेंट. कि सभी लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी नंबर्स ऑफ डेवलपर्स है यहाँ पे नंबर्स ऑफ न्यू पैकेज जनरेट करने में हेल्प कर सकते हैं, बग फिक्सेस करने में हेल्प कर सकते हैं एंड जो कोड इनहांसमेंट, कोड को आपको जो भी डेवलप करना है उस पर्पज के लिए आप इसको हेल्प कर सकते हैं. तो ये हमें आर प्रोग्राम के अंदर नंबर्स ऑफ एडवांटेज है. ठीक है, देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ एन आर. सो डिसएडवांटेज ऑफ एन आर, इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स ऑफ सम पैकेज इज लेस देन परफेक्ट. ओके, जो स्टैंडर्ड्स हम प्रोवाइड करने हैं, कि जैसे कि लास्ट इसमें एडवांटेज में हमने देखा था कि नंबर्स ऑफ डेवलपर्स वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, न्यू पैकेजेस ऐड कर रहे हैं, जो बग्स फिक्स कर रहे हैं. ओके, बट जो इसके अंदर स्टैंडर्ड्स होंगे, ओके, वो स्टैंडर्ड चेक करने के लिए कोई नहीं है. तो दैट इज एन, इसका जो स्टैंडर्ड्स है वो लेस देन अ परफेक्ट, कि उसके अंदर परफेक्शन होगा कि नहीं वो हम यहाँ पे नहीं बता सकते. तो एक इसके अंदर है डिसएडवांटेज. देन नेक्स्ट, द आर कमांड्स आर गिवन अ लिटिल प्रेशर टू अ मेमोरी मैनेजमेंट, सो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मे कंज्यूम ऑल अवेलेबल मेमोरी. कि आर प्रोग्रामिंग के अंदर नंबर्स ऑफ डिफरेंट फीचर्स कमांड्स के प्रेजेंट होने वाले, पैकेज होने वाले, तो वो स्टोर करने के लिए आपके सिस्टम की मेमोरी यहाँ पे कंज्यूम होने वाली है. सो दैट इज एन आर कंज्यूम अ मेमोरी. देन नेक्स्ट, नो बडी टू कंप्लेन इफ इट डज नॉट वर्क. इफ आर प्रोग्राम के अंदर कोई फीचर्स, कोई ऑब्जेक्ट
वर्क नहीं हो रहा, तो उसके रिगार्डिंग लिए हम कहाँ पे भी कंप्लेन नहीं कर सकते। कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ ए यूट्यूब है, ओके, यूट्यूब के अंदर कोई पेज वर्क नहीं हो रहा, या रिसेंटली कल का एग्जांपल देख सकते हैं, इफ यस्टरडे 4th अक्टूबर इज जस्ट लाइक फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम ओके शट डाउन हो गया था सर्वर, तो उसके रिगार्डिंग लिए हमें कंप्लेंट करना है, तो हम फेसबुक को कंप्लेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को कंप्लेंट कर सकते हैं, या जो मार्क जुकरबर्ग जो डेवलपर जिस ओनर है ओके उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। बट या आर टूल के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जिसको हम कंप्लेंट कर सकते हैं ओके। तो इसके रिगार्डिंगली एक इसके अंदर डिसएडवांटेज है। देन नेक्स्ट, द आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट्स मच स्लोअर देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज लाइक पाइथन एंड मैटलैब। पाइथन लैंग्वेज एंड मैटलैब लैंग्वेज से आर प्रोग्रामिंग स्लोअर लैंग्वेज है, इसकी वजह से ये भी एक इसके अंदर डिसएडवांटेज है ओके। देन कुछ एप्लीकेशन है इसके अंदर कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ एन आर, तो वी कैन यूज द आर फॉर अ डेटा साइंस ओके। इट्स गिव अ ब्रॉड वराइटी ऑफ लाइब्रेरीज रिलेटेड टू स्टैटिक्स एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर स्टैटिस्टिक कंप्यूटिंग एंड डिजाइन। तो जो भी आप कंप्यूटिंग डिजाइन करना होगा इन स्टैटिस्टिकल इन्वायरमेंट, सो वाई यूजिंग एन आर प्रोग्रामिंग आप ये सभी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। देन द आर इज यूज अ मेनी क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड इट्स प्रोग्रामिंग टूल्स। जो क्वांटिटेटिव डेटा आपके पास प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली नंबर्स ऑफ योर ऑपरेशंस, जैसे कि डेटा इंपोर्टिंग, डेटा एक्सपोर्टिंग, डेटा क्लीनिंग, इन नंबर्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं ओके। नेक्स्ट, द आर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट लैंग्वेज, सो मेनी डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च प्रोग्रामर यूजेस इट एंड इट इज अ फंडामेंटल टूल्स फॉर फाइनेंस। नेक्स्ट, द टेंट लाइक टेक टेक जीएंट लाइक गूगल फेसबुक बींग ट्विटर एसेंचर विप्रो एंड मेनी मोर अदर यूजिंग एन आर नाउ डे। नंबर्स ऑफ बिग टेक्नोलॉजीज जो आर टूल को यूज करते, आर प्रोग्रामिंग को यूज करते हो, दैट इज एन गूगल है, उसके अंदर फेसबुक बींग ट्विटर एसेंचर विप्रो, ये नंबर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे आर प्रोग्रामिंग को यूज करते, के नंबर्स ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन है ओके। सिमिलर जो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट होगा, दैट इज एन डिफरेंस बिटवीन और पाइथ ओके। ऐसे सेम नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके रिगार्डिंगली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, लाइक कर सकते एंड इफ आपको कोई क्वेरी होगी तो हमें कमेंट भी कर सकते, हम उसका रिप्लाई देंगे ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।